पैसा हाँ भले पैसा देवी तो तोर कॉलोनी तो ना देवी नहीं बता माने तो हमर से बात कर लिया लो पैसा एडवांस हां कि पैसा दे 15000 दे और फिर 15000 पैसा दे तब तोर कॉलोनी देबो हम यहां प्रमाण देंगे हम प्रमाण देंगे हम प्रमाण देंगे हमसे पैसा मांगा गया था हमको 4-5 बार कॉल भी किया है वार्ड में हम बोले ठीक है पैसा हम देंगे 5000 से बेसी पैसा नहीं देंगे तो उनको कहना है कि नहीं 20000 पैसा लगेगा हम बोले पैसा नहीं देंगे बोला तेरा लिस्ट में नाम काट के काट दो हम बोले काट दो काटो अभी काटो कटवा दिए हम बोले छोड़ हटा नहीं लेंगे अच्छा एक चीज हैं मुखिया नहीं जीतल जगह प्रणाम ऐसे को तो मुखिया नहीं बात चलो जीतल के बाहर मुखिया नहीं जीतता ने मां बहन प्रणाम करो यो अगर मुखिया नहीं आए अच्छा तो बात अभी हम मोटा मोटे देख लाल जी पोलवे में दी थी तार की लाइट वो लाइटवा तक ऐसे देखे ना होता सब लाइट पोल अंधार रोज रात भी निकलो तूने अभी गर्मी के दिन लगे साफ बिछा निकलो लेकिन ये लाइटवा खाली ट्राइंग दिला तूने आधे ककरो ना बारो लाइट तो अभी अभी जैसे देखो तो नहीं तो हम क्या हमने दबेर कर रखे तो तानी ना भी तो काहे कभी ना ऐसा करो तो नहीं काहे तो हां घुसखोर आदमी मुखिया इतना पैसा दे 10000 तब दबो पैसे थी पास के कॉलोनी और मैंने पैसा पहले मांगा हाँ, पहले और पैसा देखिए हमारे बाराडी पंचायत का मुखिया जी का जो विकास है आपको देख रहे हैं इस घर में खपरा का घर है लेकिन अभी तक इनका जो है आवास आया नहीं है अब इस घर में कुछ महिलाएं भी है हम जानना चाहते हैं कि उनको आवास काहे नहीं मिला जोहार दादी तो त्वनी के घरवा मैंने एहती हो ना आरो दोसर को नहीं घर हो कोई ना ये घर बात तो नहीं है घर हूँ आर कंजो घर तो मुखिया जी की कहो तो नहीं के माने पक्का मकान मिलते नहीं मिलते मुखिया तो खाली आ रहा जितना सा आप कुछ नहीं कर यहाँ नहीं जितना सा तकान लगा हाँ मुखिया नहीं जितना जगह प्रणाम ऐसे को तो मुखिया नहीं बात चलो जितना सा बात चोर क्या नहीं जितना के बाहर मुखिया नहीं जितना ने हाँ माँ बहन प्रणाम करो यो अगर मुखिया नहीं जाए अच्छा तोहर मने आवास काहे ना मिल लो मने मुखिया की कहले मने कि तोरा मिलतो ना मिलतो तोहर मने कि तोने चारो कन ले मने खपरा के घर हो एति पानी में तो तोने के दिक्कत भी हो तो पानी ने चुओ ना चुओ घर बड़ी चुओ है देखन हमर कुइवा पहले एक कटी एक बाल्टी पानी ना खावा हाथ धो पानी ना कुआ मने एति पिए के भी दिक्कत हां तो की पिए के भी दिक्कत अच्छा तोहिन के मुखिया मुखिया ठिन कभी गया लग शिकायत लेके माने कि ना हमर घर द्वार ना है के मुखिया जी वहां वोट लागल के वोट वाली है टेन मुखिया के जिला का वोट तो पइन जिला में वोट लागल देखो वोट लागे बोल देखन देखे सवाल ना बोले जीत के बेटा के बात बने तो बड़ा राजा बन जो रहते बन हम कुपले कर रहा जो राजा अच्छा मुखिया तो नहीं तो अपना हाजिरी वाला पैसा चल जा तो घरवा कैसे बंद देखिए हम लोग आए हुए हैं ये तिलियाटार और बाराडी पंचायत के अंतर्गत में ये गांव आता है और यहाँ का जो जन प्रतिनिधि है जो मुखिया है कभी देवे नहीं किया मुखिया का आरोप है मैंने यहाँ ग्रामीणों का आरोप है मुखिया के खिलाफ कि वो काम जो है किस तरह कर रहे हैं देख देख के एकदम मुंह चीन चीन के काम कर रहे हैं पंचायत में भी अच्छा तोहिन मैंने शिकायत लेके गया हमने घर उर है ना है तोहिन के सेटा मुखिया की कहो तोनी मुखिया हमने दबे कर रखे तो तोनी ना भी तो काहे कभी ना ऐसा करो तोनी काहे तो हाँ घुसखोर आदमी मुखिया इतना पैसा दे 10000 तब दबो पैसे थी पास के कॉलोनी और मैंने पैसा पहले मांगो हाँ पहले और पैसा ना देबे तो मैं गरीब थे पैसा रत ले की मांग कर और मैंने पैसा ना देबे तो ना भरतो तो है तो तो ऐसन मैंने तो नहीं तिलेटन में कई गो घर है ऐसन जाकर मैंने की घर जरूरी है और ओकरा ना मिल रहा हां ये जरूरी है हमने देले ना कभी कॉलोनी ना मिला ना हमने की घर तो तुमने एकदम पूरा ट्वीट गेले हो तो देखा ने इधर बोले मुखिया सरपंच ना देख अच्छा है हमने इस चीज के हमने शिकायत करबे और हमने चाहबे कि जे भी जनप्रतिनिधि है मने कि जिस तरह से काम कर रहले अगर दोबारा वो पब्लिक के बीच में अगर आवे चाहे तो ओकरा काम करे हते बढ़िया से बोलिए तो यो हमने ना मिला कॉलोनी पर कॉलोनी मिल गेलो सब के लेकिन हमने ककरो नहीं मिला हमने घर अच्छा ठीक तो अच्छा तोनी घर लगभग कम से कम कितना सदस्य है सदस्य कितना है 25-26 गो ही उतना आदमी वोट दो ये फिर भी अनदेखा करल जा तो नहीं के ने हां ठीक सत्य कुमार और आप देख रहे हैं बाराडी पंचायत और तिलियाटांड गांव यहां के जो जन प्रतिनिधि है और यहां के जो लोग हैं यहां लोग अपने जन प्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं कि यहां पे जो इस पंचायत में जो काम हो रहा है वो काम अच्छा नहीं हो रहा और मुखिया जी से अगर यहां पे अपने मुखिया जी हो या फिर कोई भी जन प्रतिनिधि हो या वार्ड हो
अपने समस्या को लेके उनके पास में अगर जाते हैं यहाँ के ग्रामीण, तो यहाँ के ग्रामीणों को क्या जवाब मिलता है आप लोग को, ग्रामीणों के ही जुबानी आप लोग को सुनवाते हैं, सुनिए। मैंने ये गांव में की समस्या है जकर समाधान मैंने भेवक चाहिए लेकिन अभी ना भेल अभी तक। गांव में समस्या ये है कि जो मैंने लाइन तो सबसे पहले होना चाहिए कि सही से मैंने तरिया के मैंने टायर के पोल के सब सबके दिक्कत है। हाँ। और लाइन भी जैसे टाइम पर आओ 10 मिनट अलो तो 10 घंटा भी गायब रहो कोई चलो मैंने बिजली विभाग के काम लगे चलो उच्च अधिकारी के मैंने बात जीते तो मैंने उठा के कार्रवाई भेते लेकिन हमारे जैसे कहना है तो अनेक पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो पंचायत प्रतिनिधि की नियर काम कर ले मैंने सब मैंने एक हवन की गांव में जो नीचे वर्ग के है जो कमजोर है जो मैंने लागो है कि एकरा मैंने मदद होना मिलना चाहिए तो ओकरा मदद मिल रहा है ना मिल रहा है ना ऐसा तो ना हो यहाँ व्यवहार देखना हो मुँह की हमारे अपन आदमी लोग मिल लो और यदि हमारे अपन नायल आदमी कहीं भिखे मांगो करो ना जरूरी की दादाई मैंने ठीक है बोल रहा मुँह चिन चिन काम कर रहे वो हकीकत बात अभी मोटा मोटी दिल लालजी पोलवे में दी थी तार की लाइट वो लाइटवा तक ऐसे देखे ना हो तब सब लाइट पोल अंधार रोज रात भी निकलो तूने अभी गर्मी के दिन लगे साफ बिछा निकलो लेकिन ये लाइट खाली टाइम दिला तूने आधे ककरो ना बारो लाइट तो हां अभी अभी जैसे देखिने कोनी के दो चार मुखिया फंड के लगे नहीं। हां नहीं नहीं उठा हमरा माने मालूम ना हो लाइट लगे मुखिया दले हां लाल जी दलो लेकिन अखनी कुछ ना कर रहा था वो लाल जी दलो तखने और माने उस टाइम में। हां उस टाइम में लेकिन इसके पीरियड में कुछ ना भरे तो यह तो बात है वो माने यार अब बेसिक ही कब अभी जैसे तोहनी के माने गांव में हम देखले दो चार को घर जैसे खपरा के घर हो तो अखनी जैसे आरोप लगा लो कि मुखिया जी जितला के बाद हमने के द्वार कभी एवे नहीं अखनी तो कॉलोनी की बातें ना पैसा के डिमांड क्या करो मुखिया करो ना वार्ड में जैसे तोर से बात करबो तो मैं मेन मालिक से नहीं बात कर रहा तो पैसा कैसे बात करेंगे तो वार्ड से हमारे बात कर लो तो मैंने वार्ड मैंने की कह लो मैंने हमारा पूरा पैसा चाहे ना मुखिया हाँ ना हमारा पहले दे और बाद हम मुखिया से बात करबो पंचायत समिति से बात करबो और बाद हम दोसर से और बाद की कह लो उठा हम नहीं के पारबो इन कह लो 20,000 पैसा तोर से लेबो हमें तब मिल तो करोनी तो मैंने 20,000 पैसा देबे कॉलोनी देबो ना तो ना देबो हाँ हम कहलिए 1 टका पैसा नहीं देबो कहलो तोर नाम से लिस्ट काट देबो जो काट दी नहीं देबी तो हटा यहाँ से हम डायरेक्ट कहलिए नहीं दी हमारे कॉलोनी तो नहीं कहीं पैसा 1 टका पैसा हम नहीं देबो अभी मुखिया वो चापाकल में अभी पानी नहीं निकलो उठा मुखिया चंदा उठा लेते हमने चंदा उठाए कर बार ओकरा वोट देबे साला छोड़ा बात और थी चापाकल के हां चापाकल वाला चंदा उठबो तनी पैसा हमने उठेबे तब चापाकल बनेबो ओकरा मालूम ना है ककरे दी तो उसने मुखिया जी के शिकायत ना कर लेकिन हमने चापाकल के प्रॉब्लम है माने इस तरह से ओकर गेले नावाड़ी जी तू घरवा घुसल दो पहले घरवा घुसल दो है माने मुखिया जी रोहो नावाड़ी में नावाड़ी में यहां प्रदीप साहब लगो बद्रो के हां माने कोई जनता जाए तो जनता के घुसल भी ना दो घर बाद दूरी एक दिन गाड़ी खड़ा कर ले इसको गाड़ी हटा यहाँ से अच्छा और एक दिन गया लिए गाड़ी खड़ा कर ले कर गाड़ी यहाँ से हटा कलिए अरे तो गाँव आदमी लगे तो नहीं चिन्ह नहीं सब नहीं हम यहाँ शाम को नहीं चिन्हते हैं कुछ काम से वहाँ गया लिए अच्छा और अभी वर्तमान में अगर झूठ बोलो तो आरो आदमी तो कुछ नहीं है चापाकल अभी खराब भले ना अभी 40 से 50 को घर आदमी पानी पिए वास्ते अभी स्थिति खराब हो गया कुआ का पानी तो आदमी पियो थे लेकिन बहुत अधिक पियो थे जेटा पिए के जकरा आदत हो हटा नु पीतो ओ भाई गेलै जैसे आखा हम जैसे करो या आखा पठू काटो ये तो हो चपा कलवा सब मने आखा भात भी जत ना रहना हो मने बस्ती के खियाना हो तो ओ चपा कलवा सेटा खराब अभी सीधा खराब है अभी है ये खराब नहीं है खराब पे सब तो हटे साल में एक बार वो लाखरा होता है एक बार 4-5 बार होता है जिसका साल लगन हो गया उसका होता है। हाँ। अभी जो वर्तमान में जो लगातार जो खाते पीते हैं उसका वास्ते अभी क्या दिक्कत हो रहा है उसको कुछ मालूम नहीं है प्रदीप साहब का कुछ मालूम ही नहीं। मैंने जन प्रतिनिधि बनने के बाद में अपने पंचायत में वो कभी भी मैंने दौरा नहीं किए आप लोग का कहना यही किया होगा लेकिन हम लोग का अंडर में कुछ नहीं किया हम लोग कैसे बोलेंगे कुछ नहीं जानते किया है तो आपके गाँव में नहीं किए नहीं किया कुछ नहीं जानते। अच्छा और एक चीज अभी ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या मैंने सब कुछ सही मैंने लगा रहे हैं कि मैंने इस तरह से अनदेखा करके काम कर रहे हैं और मैंने यहाँ के जो ग्रामीण है ग्रामीणों से पैसा मांगा जा रहा है कि आप पैसा दीजिएगा तो आपका आवास देंगे नहीं तो हमसे नहीं मांगा हमसे बात नहीं अभी बोल रहे थे हम प्रमाण देंगे हमसे पैसा मांगा गया था हमको 4-5 बार कॉल भी किया है वार्ड में हम बोले ठीक है पैसा हम देंगे 5,000 से बेसी पैसा नहीं देंगे तो उनको कहना है कि नहीं 20,000 पैसा लगेगा हम लोग पैसा नहीं देंगे बोला
तेरा लिस्ट में नाम काट के काट दो। हम बोले काट दो, काटो अभी काटो, कटवा दिए। बोले छोड़ हटा नहीं लेंगे। अच्छा एक चीज आप लोग से हम पूछना चाहते, आप लोग जितने भी यहाँ पे लोग हैं, क्या लगता है अगर ऐसा मैंने अगर गुंडा राज की तरह अगर काम अगर करेगा हमारा जनप्रतिनिधि तो क्या लगता है मैंने दोबारा मतलब मैंने गरीब मरेगा क्या लगता है दोबारा ऐसे व्यक्ति को आप लोग यहाँ पे बैठाइए। नहीं नहीं हम चाहते हैं कि देखिए इस गांव में जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान हो, चाहे चापाकल का समस्या हो, कॉलोनी का समस्या हो, या फिर अबुआ आवास जो भी हम लोग हैं। रोड भी है हम लोग का मुखिया में कुछ काम ही नहीं करता है, कुछ किया है करता होगा इधर उधर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग का तिलेट में कुछ भी काम नहीं किया है। और अगर किया होगा, जिसका भी काम किया होगा तो पैसा लेके किया होगा, हम बता दे रहे हैं। बिना पैसा के नहीं, नहीं, क्योंकि हमको जहाँ तक मालूम है वहाँ तक हम बोल रहे हैं, क्योंकि वार्ड में हमको खुद आके बोला था कि पैसा नहीं देने से कुछ काम नहीं होगा। हम बोले कौन बोला है, मैं मुखिया बोला है, तो पैसा लगेगा तब काम होगा, नहीं नहीं पैसा दीजिएगा नहीं काम होगा। अगर ये मेरा वीडियो अगर कोई भी अगर अगर उच्च अधिकारी तक अगर ये वीडियो हमारा अगर जाता है, अगर आप देखते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप बाराडी पंचायत, ये बाराडी पंचायत है ना, बाराडी पंचायत तिलटन गांव, आप मैंने एक बार इस गांव का आप भ्रमण करिए, एक बार दौरा करिए, यहाँ के लोगों से आप मिलिए और लोगों के समस्या के बारे में सुनिए। यहाँ का लोगों का जो आरोप है जनप्रतिनिधि के खिलाफ में कि वो जनप्रतिनिधि जो भी है वो काम जो है जो ईमानदारी पूर्वक जैसा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जनता से पैसा वसूल कर करके और काम कर रहे हैं। अगर आप पैसा दीजिएगा तो आपका काम कर देंगे, नहीं कर दीजिएगा तो नहीं, मतलब पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं कर देंगे, मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती। और हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए, इस गाँव में हम लोग एक बार घूमते हैं पूरा और आप लोग को मिलवाते हैं ऐसे ऐसे लोगों से जो मुखिया के खिलाफ हो या फिर जो भी अधिकारी है अपना जो भी जनप्रतिनिधि है उसके खिलाफ कि यहाँ का जो भी समस्या का कंप्लेन लेके गए लेकिन उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। और कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो अगर ऐसा ही रवैया रहा हमारा जनप्रतिनिधि सबका तो क्या लगता है कि इस मैंने चुनाव में विधानसभा चुनाव में लोग ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि को दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से इस गांव का पूरा रिव्यू आप लोग को दिखाते, बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जोहार। चलिए।